subscribe our channel, click on the bell to notify new videos. सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबलियों में सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है, जो शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने पहला वोट कास्ट किया। कौमी असेंबली में सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी के पीर फजल अली शाह ने पहला वोट कास्ट किया और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीपल्स पार्टी की रहनुमा निगत और अगजई ने पहला वोट कास्ट किया। कौमी असेंबली में 3 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा हयात रिटर्निंग अफसर, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी कौमी असेंबली में प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इमरान खटक को पीटीआई उम्मीदवार आरिफ अलवी, नईमा किशोर अपोजिशन के उम्मीदवार फजल रहमान, जबकि शशि पलीजो को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज एहसन का पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया गया है। सदारती इंतखाब के कवायद जवाबित के मुताबिक सेनेटर्स और अरकान असेंबली के लिए शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी है। कौमी असेंबलियों में अरकान की लाइनें लग गईं। खुर्शीद शाह नवर, नवीद कमर और दीगर रहनुमा लाइनों में लग गए। वाज़ह रहे कि सदारती इंतखाब के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एहतजाज एहसन पीपल्स पार्टी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं।